राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 23 मई से ही लॉकडाउन लगाया गया था। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, परंतु संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अंततः हमें अभी भी पूरी तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी के चलते प्रदेश में अब 2 जून से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, ताकि राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सके। इसी मिनी अनलॉक की गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी कर दी गई हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं। राज्य में आवागमन से पूर्व 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर रिपोर्ट नहीं है तो उसे 15 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें, पंखा, एसी कूलर रिपेयरिंग की दुकान, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान, व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप्स, किराना, खाद्य सामग्री की दुकानें खोलने का समय बढ़ना तय है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। खाद, बीज और एग्रीकल्चरल मशीनरी से जुड़ी दुकानें और वर्कशॉप का समय बढ़ना तय है। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल लेने का समय बढ़ना भी तय है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी बंद रहेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक पार्क्स, स्टेडियम बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। बाजार में चुनिंदा दुकानों को छोड़ बाकी बंद रहेगा। होटल भी बंद रहेंगे। शादी समारोह पर पाबंदियां जारी रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा।